हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन मिनट मेडिकल स्कूल। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट माल प्रेजेंटेशन, ठीक है, अस्वाभाविक प्रस्तुति। इसको अगर हम हिंदी में बात करते हैं कि माल प्रेजेंटेशन क्या है, तो है ये आपका है अस्वाभाविक, ओके, अस्वाभाविक प्रस्तुति। प्रेजेंटेशन इज प्रस्तुति, गॉट इट। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो एबनॉर्मल पोजिशनिंग ऑफ अ फीटस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। एबनॉर्मल, ठीक है, अब यहाँ पर वर्ड है एबनॉर्मल, मतलब कोई चीज़ खराब है, ठीक है। क्या खराब है यहाँ पर? पोजिशनिंग, ठीक है। किसकी पोजिशन खराब है? ऑफ अ फीटस। कब हमें पता चला? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है। भ्रूण का जो भाग शौणी के किनारे प्रकट या प्रस्तुत होता है अथवा गर्भाशय के निचले किनारे पर प्रस्तुत होता है, उस चीज़ को हम प्रस्तुति मीन्स प्रेजेंटेशन कहते हैं, गॉट इट। अब अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे डेफिनेशन की, तो माल प्रेजेंटेशन रिफर्स टू व्हेन योर बेबी इज एन अनयूजुअल पोजीशन एज द बर्थ अप्रोचेस। जब बर्थ आपका अप्रोच होने लग रहा है, ठीक है, जो एबनॉर्मल और अनयूजुअल पोजीशन आपकी है, उसको हम क्या कह रहे हैं? माल प्रेजेंटेशन। अब अगर हम माल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसको मेनली हम दो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। प्रस्तुति अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन नेचुरल प्रेजेंटेशन हो जाएगी, और आपका एक दूसरा होता है माल प्रेजेंटेशन। नेचुरल प्रेजेंटेशन इज आपका वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इज द नॉर्मल प्रेजेंटेशन, गॉट इट। एंड अनदर वन इज द माल प्रेजेंटेशन। अब हम माल प्रेजेंटेशन के अंदर की बात करते हैं, तो पहला है हमारा फेस प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब बार बार हम लोग माल प्रेजेंटेशन की बात कह रहे हैं, तो अगर हम देखते हैं, अगर हम उसको हिंदी में इसका डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है, माल प्रेजेंटेशन की, वो हमारा पहला होगा, इसमें हमारा डेफिनेशन होगा अस्वाभाविक प्रस्तुति का अर्थ है कि भ्रूण मातृ श्रोणी इज पेल्विस, ओके, में श्रोणी में शिखर लॉन्गिट्यूडनल लाइन और फ्लेक्शन एटीट्यूड के अतिरिक्त प्रस्तुत करता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा डेफिनेशन था। आफ्टरवर्ड हम इसको इसका टाइप्स देखेंगे कि हमें माल प्रेजेंटेशन में क्या क्या टाइप्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम फेस प्रेजेंटेशन कह रहे हैं, फेस प्रेजेंटेशन इज चेहरा प्रेजेंटेशन, इसमें हमारा क्या आ रहा है? चेहरा आ रहा है, ठीक है, ओके। देन है हमारा ब्रो प्रेजेंटेशन। ब्रो प्रेजेंटेशन क्या है हमारी? भो, आईब्रो करते रहते हैं ना, तो ये क्या है हमारी? भो, ब्रो, जो हमारी आईब्रोज है, भो, वो प्रेजेंटेशन हो गई। फिर है हमारी ब्रीच प्रेजेंटेशन, जिसको हम हिंदी में नितंब प्रस्तुति कहेंगे, नितंब प्रस्तुति। देन है हमारी शोल्डर प्रेजेंटेशन, स्कंध या कंधा, ठीक है, स्कंध या कंधा प्रस्तुति। देन अनस्टेबल लाई, ठीक है, या आपका कॉर्ड प्रेजेंटेशन हो सकता है, कंपाउंड प्रेजेंटेशन हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी हैं किसके अंदर? माल प्रेजेंटेशन के अंदर। अब एक चार्ट के थ्रू हम समझेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ अ फीटस। तो प्रेजेंटेशन ऑफ अ फीटस हमारा डिवाइड किया गया है सिफेलिक, ओके, ब्रीच, शोल्डर एंड कंपाउंड। तो इसको हमने फीटस की प्रेजेंटेशन को चार टाइप में डिवाइड किया है, बट हमारा जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन था, ये इसको हमने वर्टेक्स, ब्रो एंड फेस। सिफेलिक का मतलब होता है हेड, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम स्टार्ट करना शुरू करेंगे, वो है हमारा फेस प्रेजेंटेशन, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।